दोस्तों काफ़ी पर्सन को इंस्टाग्राम के अंदर ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जब वो अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं। ऐसा इंटरफेस आ जाने के बाद में अब वो ये सोचते हैं कि भाई ये हमारे अकाउंट में क्या हो गया है, हमसे कौन सी आईडी को अपलोड करने के लिए बोल रहा है इंस्टाग्राम। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊँगा कि आपका जो इंस्टाग्राम है वो चलते चलते क्यों बंद हुआ है, और यहाँ पर जो अपलोड है फ़ोटो इसमें आपको क्या अपलोड करना है, कौन सी आईडी देनी है आपको जिससे आपका इंस्टाग्राम यहाँ पर चल जाएगा, और इंस्टाग्राम ने आपको ये वाला इंटरफेस क्यों दिया है। सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं IG हेल्प यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज़। अगर आपका अकाउंट सही चल रहा था और उसके चलते चलते आपको जो है ये वाला जो है इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है अपलोड योर आईडी वाला, और आप ये सोच रहे हो कि भाई ये हमें क्यों मिला है, तो मैं आपको बता दूं कभी कभी इंस्टाग्राम को जो है ना शक हो जाता है कि भाई ये जो आईडी चल रही है ये इसका ऑनर क्या यही है या फिर कोई और इसकी आईडी को यूज़ कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर इंस्टाग्राम जो है इस तरह का जो है इंटरफेस, इस तरह का पॉपअप आपको दे देता है जिसमें इंस्टाग्राम कन्फर्म करता है कि आप वही हो जो कि इस आईडी को चला रहे हो। तो ऐसे में वो आपकी जो है ना आईडी प्रूफ मांगता है। अब आईडी प्रूफ में आप यहां पर क्या क्या दे सकते हो, इसमें साफ क्लियर लिखा हुआ भी है, आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे कि आप यहां पर बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, या फिर स्कूल की कोई आईडी कार्ड वो भी दे सकते हो, पासपोर्ट अगर आपके पास में है वो भी आप दे सकते हो, या फिर कोई और आईडी जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी आईडी आप यहाँ पर दे सकते हो। दो तरीके से आप यहाँ पर अपनी आईडी को अपलोड करेंगे। एक तो ये है कि आप आईडी का पिक्चर क्लिक करके अपलोड है फ़ोटो पर क्लिक करके अपनी आईडी को यहां से सेंड कर सकते हो। ऐसा करने के बाद में जो है आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जब आप अपलोड कर दोगे, सबमिट कर दोगे, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब ये आपसे कहेगा कि आपको जो है 48 घंटे के लिए रुकना पड़ेगा, हम आपके जो है ना आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है उसको रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे, अगर उनको सही लगता है तो वो आपके अकाउंट को सही कर देंगे, उसको जो है ना रिएक्टिव कर देंगे। लेकिन 48 घंटे भी हो गए, उससे ज़्यादा भी हो गए, उसके बाद में ये वाला पेज हट गया और उसके बाद फिर से यही वाला पेज आ गया लॉगिन के बाद में। तो यहाँ पर जो है आप ये समझिए कि आपकी जो आईडी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसमें कोई ना कोई इनको मिस्टेक नज़र आई, जिस वजह से आपको फिर से यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप फिर से अपनी आईडी को अपलोड कीजिए। तो आप सेकेंड टाइम में जब आईडी को अपलोड करोगे तो उसे किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपनी आईडी को ले लेना है, जो भी आपके पास में आईडी है, और दोनों हाथों से पकड़ करके उसको खड़े होना है। बैकग्राउंड आपकी जो है ना एक जैसी होनी चाहिए, जहां आप खड़े होंगे उसकी बैकग्राउंड या तो वाइट हो या फिर जो है ना रेड हो, ब्लू हो, एक जैसी होनी चाहिए। उसके आगे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को खड़े होना है लेकर के। उसके बाद में जो है ना आपके जो हैंड उसमें हाथ जो नज़र आने चाहिए वो बिल्कुल दोनों के दोनों नज़र आने चाहिए, और हाफ़ पिक्चर लेनी है, उसमें आपका फेस भी आना चाहिए और हाफ़ जो है ना आप पिक्चर लेंगे। पिक्चर लेने के बाद में विद आईडी कार्ड के आप उस पिक्चर को अपलोड करेंगे यहाँ पर, और पिक्चर आपको ऐसी लेनी है जो कि बिल्कुल साफ़ आनी चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। अगर जूम करके भी हम उसको देखते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी डिटेल लिखी होती हैं जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, हमारा नाम, फादर्स नेम, ये सभी चीज़ें जो हैं उसमें क्लियरली बिल्कुल साफ़ नज़र आनी चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम इसी चीज़ को वहाँ पर चेक करेगा। तो आप जो है ना इस तरह से पिक्चर क्लिक करके फिर से अपलोड है फ़ोटो पर आएंगे और यहाँ सबमिट करेंगे, और उसके बाद में फिर से आपको ये वाला इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है ना फिर इस बार आपकी आईडी को चालू कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और इसी तरीके से जो है अपनी आईडी को यहाँ पर रिकवर करा सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।